संभल के। स्नो में मेरी हालत देखिए, ये बहुत ही स्टीप ट्रेल है, यहाँ गोल्ड डस्ट की बारिश हो रही है। हेलो, कैसे हैं आप सब? एक और नए व्लॉग में आप सबका स्वागत है। आज हम रैटलस्नेक पॉइंट कंजर्वेशन एरिया देखने के लिए जा रहे हैं। आज मैं और अरिंदम दोनों जा रहे हैं क्योंकि अरिंदम की वाइफ इंडिया में है और मेरी फैमिली घर पे। स्टैग निकले हुए हैं क्योंकि हम लोग थोड़ा हाइक भी करने वाले हैं। वहाँ 7 हाइकिंग ट्रेल्स हैं, कुछ आसान और कुछ मॉडरेट। आज थोड़ा स्नो है इसलिए स्नो बूट्स भी साथ में ले लिए। अरिंदम आज ड्राइविंग कर रहे हैं, तो ये थे अरिंदम। आपने अक्सर सोचा होगा कि ये अरिंदम आखिर है कौन, जब उन्हें अच्छी तरह से जान पाएंगे। ये जो लेंस के ऊपर डायमंड शेप्स दिख रहे हैं, ये रिजर्व्ड हाई ऑक्यूपेंसी लेंस को दर्शाता है। यहाँ सिर्फ वही गाड़ी अलाउड है जिनमें 2 से ज़्यादा लोग होते हैं। अभी हम जिस रास्ते से जा रहे हैं उसे कहते हैं 401 वेस्ट। ये एकदम चकाचक रास्ता है और आप 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से गाड़ी चला सकते हैं। यहाँ आप उससे थोड़ी ज़्यादा स्पीड से भी चला सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, नहीं तो पुलिस पीछे पड़ जाएगी। मंजिल मेरे घर से करीब 50 किलोमीटर दूर है, अरिंदम के घर से 70, लेकिन हम आधे घंटे में ही पहुंच जाएंगे। आज बहुत अच्छी वेदर है, अच्छी धूप खिली है। 401 से उतरते ही शुरू हुआ बर्फ का साम्राज्य। हालांकि रास्ते से स्नो हटा दिया गया है, लेकिन दोनों तरफ रूई की तरफ बर्फ पड़ी हुई है। इन बर्फ से ढके हुए पाइन ट्रीज को देखकर क्रिसमस की याद आती है, और ये बर्फ से ढके हुए मैदान मानो सेंटा के स्लीह चलाने के लिए रखा हुआ है। हम पहुंच गए रैटलस्नेक पॉइंट, लेकिन यहाँ ऑनलाइन रिजर्वेशन करना होगा। हम अपना स्मार्टफोन यूज़ करेंगे। पता नहीं आप लोग देख पा रहे हैं कि नहीं, यहाँ लोग अपने कार्स को पार्क करके रिजर्व कर रहे हैं। रिजर्वेशन चार्जेस हैं $10 पर पर्सन। हम दोनों का टिकट रिजर्व करना है अभी। चलिए अरिंदम को अभी जाके बताते हैं। ये है रैटलस्नेक पॉइंट का पार्किंग एरिया। पहले हम पार्क करेंगे, फिर डिसाइड करेंगे कौन से ट्रेल को हाइक करें। ये मैप है, इससे डिसीशन लेंगे कौन से ट्रेल को हाइक करें। अभी हम अभी सेकेंड ट्रेल को हाइक करने जा रहे हैं। ये है अरिंदम। आज यहाँ पूरा स्नो ही स्नो है। अच्छी बात है कि स्नो बूट्स लेके आया हूँ। मुझे कोई अंदाज़ा ही नहीं था कि क्या एक्सपेक्ट किया जाए। यहाँ हाइकिंग का एक एडवांटेज ये है कि किधर क्या है ये सब कुछ आसानी से लोकेट कर सकते हैं, क्योंकि सब कुछ क्लियरली मार्क किया हुआ है। हाइकिंग करते हुए हम लोग पहुँच गए अपने पहले लुकआउट पॉइंट पे। क्योंकि आज आसमान बहुत साफ है, इसलिए बहुत दूर तक सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। यहाँ ऊपर से हम जिस रोड से आए थे वो वहाँ नीचे देखिए, यहाँ से गाड़ियाँ कितनी छोटी छोटी सी दिख रही है ना। फाइनली यहाँ से एक बहुत खूबसूरत व्यू देखने को मिल रहा है। यहाँ सब सफ़ेद ही सफ़ेद है, लाइट की रिफ्लेक्शन स्नो पर मानो दुगनी हो गई हो, चारों तरफ रोशनी है। अरे देख के स्नो के ऊपर से चलो अरिंदम। अगर स्नो के ऊपर से चलोगे तो थोड़ा ग्रिप ज़्यादा मिलेगा। मैं भी अरिंदम को फॉलो कर रहा था ये देखने के लिए कि वो कहाँ से उतर रहे हैं। मैं उन्हें फॉलो करके उनके पीछे पीछे ही उतर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं फिसल ही रहा हूँ। मैं कई जगहों पर हाइकिंग कर चुका हूँ, लेकिन स्नो में हाइकिंग करने का ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है। जैसा आप देख सकते हैं हम बार बार फिसल रहे हैं यहाँ। मुझे तो अपने स्नो बूट से थोड़ी राहत मिल रही है, लेकिन अरिंदम आज स्नो बूट्स नहीं लाए हैं। तो अभी -7 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन इतनी अच्छी धूप निकली है कि उतनी ठंड नहीं लग रही, बस चेहरे और आंखों में थोड़ी ठंड महसूस हो रही है। मैंने अपने सनग्लासेस भी पहन लिए हैं आज, क्योंकि स्नन ग्लेयर बहुत ज़्यादा है। जब सूरज की किरणें स्नो के ऊपर रिफ्लेक्ट करती हैं तो आंखें धुंधला सी जाती है। सनग्लासेस पहनने से थोड़ी राहत मिल जाती है। आज ज़्यादा लोग नहीं आए यहाँ, इस ट्रेकिंग ट्रेल में आज बहुत ही कम लोग हैं, लेकिन हाइकिंग का मज़ा तो अकेले में ही है। भीड़ जितनी कम हो ट्रेकिंग में मज़ा उतना ही ज़्यादा आता है। आप अपने हिसाब से घूम के थोड़ा एक्सप्लोर कर सकते हैं। हालांकि ठंड बहुत ज़्यादा है, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आ रहा है आज। हम पहुँच गए अपने सेकेंड व्यू पॉइंट। ये है रैटलस्नेक पॉइंट। पता नहीं आप सब देख पा रहे हैं कि नहीं, लेकिन जब ऊपर से बर्फ के दाने नीचे जमीन पर गिर रहे हैं, लग रहा है मानो गोल्ड डस्ट की बारिश हो रही हो।
दरअसल ये रैटल स्नेक पॉइंट एक कैनियन है जो आइस एज के पहले और बाद में बनी है इरोशन के कारण से। इसी के चलते कैनियन के नीचे बना है भारी मिनरल डिपॉजिट। ये एक बहुत ही स्टीप ट्रेल है, इसलिए बहुत सावधानी से नीचे उतरना होगा। पेड़ पर लगे नील मार्कर से हमें पता चल रहा है कि कौन से रास्ते से जाना है। मुझे भी इन टहनियों के सहारे ही नीचे पहुंचना पड़ेगा। चलिए, आप पहुंच गए अरिंदम, अब मैं भी धीरे धीरे नीचे उतरता हूँ। चलिए। अरे मेरे भी पैर फिसल रहे, बाप रे। क्योंकि मैं पेड़ और पत्थर के सहारे नीचे उतर रहा हूँ तो इसलिए ग्लव्स खोलने पड़े और बर्फ पकड़ के अभी नीचे जा रहा हूँ। हे भगवान, मेरी हालत देखिए, कितनी ठंड है, बाप रे। ये भी एक अनोखा ही एक्सपीरियंस है। ये मेरे चेहरे की जो हंसी है ना, वो अभी गायब हो जाएगी अगर मैं गिर गया और मेरे हाथ हड्डी पसली टूट गई। हाथ जम गए हैं मेरे बर्फ में। तो फाइनली उतर पाया। अभी हम लोग एक आसान से ट्रेल पे चल रहे हैं। यहाँ पर दो तरह के ट्रेल्स हैं, एक इजी और एक मॉडरेटली डिफिकल्ट। ऊपर चल रहे लोग इजी ट्रेल से जा रहे हैं, हम लोगों ने थोड़ा डिफिकल्ट ट्रेल चूज किया है। इजी ट्रेल बहुत ही आसान है, सिर्फ चलना होता है। हमारे इस मॉडरेट ट्रेल में थोड़ा ऊपर नीचे हाइकिंग करना पड़ता है। अरिंदम स्नो बूट्स नहीं पहने हैं, इसी के चलते उनके जूते बहुत स्किड हो रहे हैं। नहीं तो ऊपर चढ़ना कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, ठीक ठाक सही है। इजी ट्रेल पे चल रहे कुछ फैमिलीज अपने बच्चे और पेट्स को घुमाने लेके आए हैं। हम लोग तो खुद ही को लेके आए हैं। अब हम डिफिकल्ट से इजी ट्रेल पे आ गए हैं। ये तो नॉर्मल पार्क में चलने जैसा है। थोड़ी बहुत स्नो पड़ी है लेकिन बहुत लोग चल रहे हैं यहाँ। तो पहुंच गए रैटल स्नेक कार्विंग पॉइंट। यही लग रहा है, कुछ लिखा वैसे है नहीं, ठीक ठाक सही है। और ये है अरिंदम। हम काफी समय से हाइकिंग कर रहे हैं अभी। वैसे कुछ खास नहीं है, बस एक और लुकआउट पॉइंट ही है। यहाँ एक छोटी सी खाई है तो सोचा थोड़ा आराम फरमा लिया जाए यहाँ। अगर मैं वापस नहीं गया तो माँ और टीना दोनों ही नहीं छोड़ेंगी, तो निकलते हैं। ये है बफेलो लुकआउट पॉइंट। ये वाली लुकआउट थोड़ी सही है। यहाँ क्लाइंबिंग एटिकेट्स के बारे में भी बहुत कुछ लिखा हुआ है। उस साइड देख के लग रहा है कि वहाँ कुछ रिवर या लेक जैसा है और ठीक उसके ऑपोजिट ही जंगल जैसा कुछ है। साल के पेड़ जैसा कुछ दिख रहा है। यहाँ पे शायद रॉक क्लाइंबिंग भी कर सकते हैं क्योंकि चट्टानों पर हुक्स लगी हुई हैं। ये हुक्स आप देख सकते हैं, शायद रॉक क्लाइंबिंग के लिए ही है। अब समय हो गया है बफेलो लुकआउट पॉइंट से वापस जाने का। तो अब हम येलो बफेलो क्रीक ट्रेल को फॉलो करेंगे और एक लूप लगा के ऊपर से निकल जाएंगे। इस लूप से हम अपने पार्किंग लॉट तक पहुंच जाएंगे। यहाँ पार्किंग के स्लॉट्स होते हैं। हमें 3 घंटे का स्लॉट मिला है और उन्हीं 3 घंटों में हमें हाइकिंग ख़त्म करके पार्किंग में वापस आ जाना है। यहाँ कुछ ट्रेल एटिकेट्स दिए गए हैं, क्या करना चाहिए और क्या नहीं, कितना समय लगता है चीज़ों को डिकम्पोज होने में। ये रॉक क्लाइंबिंग के कुछ रूल्स हैं जो मैं आप सबको दिखा रहा था कि कैसे रॉक क्लाइंबिंग करते हैं वगैरह। यहाँ और किस किस से मुलाकात हो सकती है वो भी देख लीजिए। यहाँ ब्राउन बैट या हुडेड रैबलर या तो फिर कुछ फॉसिल्स ही आपको शायद दिख जाए कहीं पे। अगर आप चाहें तो साइड ट्रेल भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे साफ अक्षरों में लिखा हुआ है यूज़ एट योर ओन रिस्क, और वो भी समर्स में, इसलिए विंटर्स में जाने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। ये ट्रेल जाता है क्रॉफोर्ड लेक की ओर और है 9 किलोमीटर लंबा, लेकिन हम लेने वाले हैं ये बफेलो क्रेक ट्रेल जो कि अभी हम लोग लेंगे और ऊपर के लूप को ख़त्म करेंगे। ऊपर का ये लूप बहुत ही छोटा है, शुरू होते ही पल भर में ही ख़त्म हो गया। उसी में हमने कुछ छोटे छोटे साइड एडवेंचर्स ढूंढ लिए। हमारी हाइकिंग ट्रेल यहीं समाप्त होती है। तो चलते हैं पार्किंग की तरफ। तो
तो अभी बैक टू द पैवेलियन, पार्किंग लॉट पहुंच गए। स्नो बूट से नॉर्मल स्नीकर्स में भी चेंज कर लिया अभी। तो यही हमारी हाइकिंग ट्रिप ख़त्म होती है। जैसे मैं आप लोगों को बता रहा था, हाइकिंग मैंने पहले भी की है, लेकिन स्नो में हाइकिंग एक अलग ही एक्सपीरियंस है। आप लोग जो मेरे ट्रैवल बडीज बन चुके हैं, उनके साथ ये एक्सपीरियंस शेयर करके और भी खूबसूरत हो गया। कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, बहुत अच्छा लगेगा। जल्दी लौटेंगे और एक वीडियो के साथ। टाटा।